बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2017 जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। प्रेमचंदन जी है नहीं यहाँ पे, और वो रहते तो बहुत खुशी होता। वो बार बार बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी, ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी। इस लोकसभा के सदस्यों में 2 घंटे का टाइम का एक बराबर वितरण होता है, और अगर उस तरह से कायदे से देखा जाए तो एक सांसद वाली पार्टी को 20 सेकेंड्स मिलना चाहिए, लेकिन स्टैचुअरी रिजोल्यूशन के जरिए हर बार प्रेमचंदन जी जितना चाहते हैं बोल लेते हैं। आई एम कमिंग ऑन द टॉपिक सर। नॉट सिंगल पार्टी, स्मॉल पार्टी, बिग बिगर। ओके ओके, इट्स अ वेरी लार्ज पार्टी। नो, यू मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर दैट, नॉट फॉर पार्टी। आई माय पॉइंट इज दैट दिस थिंग डजंट हैपेंस इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, दैट्स व्हाई दिस ऑर्डिनेंस हैज बीन ब्रॉट। ही हैज अपोज्ड द ऑर्डिनेंस, बट द रीजन ऑफ द ऑर्डिनेंस वॉज दैट कि आप किसी चीज का, कोई सरकार के किसी नियम का फायदा उठा करके उस पर हावी नहीं हो जाए, इस पूरे पर्पस को रोकने के लिए यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया, और इसीलिए ऑर्डिनेंस जरूरी था। प्रेमचंदन जी हमारे बहुत लर्नेड व्यक्ति है और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन लाने की जरूरत के लिए वो अगर पढ़े हुए होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब आईबीसी कोड लाया, सब उसका मैं भी एक पार्ट था, हम लोगों ने समझा कि हम बहुत अच्छा बिल ला रहे हैं, लेकिन ये सुधार जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। और मैं माननीय अरुण जेटली जी का, माननीय मोदी जी का आभारी हूं कि वह कभी भी सुधारों से नहीं हिचकते हैं, और उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने जीएसटी में इतने सारे सुधार देखे हैं। उसी तरह से ये आज बात हो रही है कि सुधार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं यूएस में इस तरह के बिल आने के बाद 300 से ज्यादा सुधार हुए हैं। तो ये सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी कंपनियां बैकडोर से फिर से वापस वही जो लोग किए थे, गलत किए थे, वो सब लेना चाहते हैं, और इसी को रोकने के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया। एक और इशू उन्होंने कहा कि इससे ब्लैक मनी, इसको डिफॉल्टर्स को, सबको हेल्प मिलेगी। अब मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि कानून को कड़ा किया जा रहा है, जो लोग विरोधी हैं उनको रोका जा रहा है, जिन्होंने कंपनी को बैठाया। और उन्होंने ये भी कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कैसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं जो डायरेक्टर्स हैं उनसे। तो जिन डायरेक्टर्स ने पूरी की पूरी कंपनी का भट्टा बैठा दिया, क्या उनको ही दोबारा मौका मिलना चाहिए? एक तरफ तो आप पूरी कंपनी डुबा दिए, तब तो आप रिजोल्यूशन में गए, और रिजोल्यूशन में जाने के बाद फिर वही अगर रहेंगे तो फिर रिजोल्यूशन का मतलब क्या? जो एक बार कंपनी खत्म कर चुके हैं, वह तो कम से कम उनको बदले किसी को मौका देना, या तो सरकार की जरूरत है। दूसरी चीज जो माननीय थॉमस जी ने कहा, तो मैं, हमारे बहुत सीनियर मंत्री हैं, और मैं उनको बता दूं कि ये 2005 में बैंक लोन्स 4.27 लाख करोड़ से, और वो उन्हीं के सरकार में जिनके वो सम्मानित मंत्री थे, उसमें लोन्स बढ़ा करके 26 लाख करोड़ चला गया। और ये जितने भी ये लोन्स हैं और जिसके लिए हम लोग ये सब कानून ला रहे हैं, यह सब कोई एनडीए के सरकार का उधार नहीं है, यह सारा उनके समय का उधार है, और उसके उनके समय के उधार को ठीक करने की प्रक्रिया हम लोग सब कर रहे हैं। और मैं माननीय मोदी जी और माननीय जेटली जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक नियम बना करके, और जो लोग पीछे से बैकडोर से फिर से कंपनी को दोबारा कैप्चर करना चाह रहे थे, उसको रोकने के लिए किया। थॉमस जी ने अगर यही काम अपने सरकार में किया होता तो आज यह नौबत होती ही नहीं। एनपीए कितना है अभी तो हम लोग 8 लाख करोड़ जानते हैं, उनका डाटा अलग है, लेकिन यह सारा जो है वो आपकी देन है सर। ये इसमें एनडीए शासन का कोई उधार का देन नहीं है। हम लोगों का बिल्कुल साफ इरादा है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को दो तरह से काम करें। एक तरफ तो हम लोग ईज ऑफ बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनके चलते हम 38 पायदान के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ चुके हैं, कि जो भी अच्छा काम करना चाहे वह आए काम करे। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग, जो लोग जानबूझकर विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो पैसे को साइफनिंग कर करके दूसरे कामों में उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ हम कड़े से कड़ा कानून ला रहे हैं, और यही सरकार का यह इस बार का ध्येय है। हम लोगों ने खुद देखा है कि जो नियम बने हैं उसमें क्या नियम बने हैं, कि जो लोग उधार नहीं चुका सकते हैं उनको हम लोग दोबारा रिजोल्यूशन में नहीं जाने देंगे, जिनका अकाउंट एनपीओ हो गया है उनको नहीं जाने देंगे, जो गारंटर्स बने थे उन डायरेक्टर्स के, वो फिर दोबारा जो
गारंटर खरीद लें और तो भी बात तो वही होगी, इसलिए उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा जिनका डिफॉल्टर से कोई भी संबंध है उनको रोका जा रहा है। तो ये कंपनीज को सारा कानून जो बन रहा है वह कंपनीज को रोकने के लिए कि फिर दोबारा उन्हीं गलत तत्वों के हाथ में नहीं आ जाए हेयर कट करके, जिसका दो उदाहरण हम सबों ने देखा कि 950 की करोड़ की कंपनी 40-45 करोड़ की हो गई और वही लोग फिर कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा डुबा दिया था। तो मैं माननीय मंत्री जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने इस इमरजेंसी को समझा और इसके चलते उन्होंने अध्यादेश ला करके इस देश में गलत तत्वों के हाथ में कंपनियां नहीं जाएं उसके उन्होंने रोकने का कोशिश किया। इसके अलावा इस बिल का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, चूंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं था, क्योंकि कोई भी कंपनी है तो उसमें बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। अगर उनको हम लोग नए कंपनीज के साथ नहीं आने देंगे तो उसके चलते फिर तो कोई भी कंपनीज का टेक ओवर कर ही नहीं पाएगा, रिजोल्यूशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इन सब चीज़ों को अलग रखा है और इसके लिए उन्होंने जो कानून बनाया है वह बहुत ही अच्छा। इन सब कानूनों से सबसे बड़ा तो फायदा यह होगा कि अब जो नए उधार लेने वाले हैं उनके मन में अब डर पैदा हो गया कि अगर हम उधार लेंगे और फैक्ट्री ठीक से नहीं चलाएंगे, लोन हम कितना चाहिए उतना उससे ज्यादा ले लेंगे तो कल को हम बर्बाद हो जाएंगे। यह एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की और माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की, कि आज प्रोमोटर्स जो है 100% सोचते हैं कि कितना कम से कम पैसा ले, क्योंकि अंत में इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ता है और वो किसी तरह का फ्रॉडिज्म नहीं करें, मनी का डाइवर्शन नहीं करें, उसके लेकर के भी वो अब कोई ये चीज हिम्मत नहीं कर सकता। उसी तरह से इन सब नियमों को इनको बार करने से जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें आएंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो कैपिटल फ्लो है वो बढ़ेगा, नहीं तो जो कंपनियां पहले थे वही हेयर कट करके फिर आ जाती। तो ये एक नए कंपनियों को एक मौका मिल रहा है कि अगर पिछले डायरेक्टर, जाहिर बात है वो फेल किए हैं तभी तो वो रिजोल्यूशन में वो कंपनी गई है, तो उस रिजोल्यूशन में नए लोग आए, ये पूरे के पूरे इस बिल का मोटिव है। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन सब कारणों से हमारे देश में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए लोग आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग वाकई कंपनी चलाना चाहते हैं अब केवल वही आएंगे और जो आएंगे जो प्रोफेशनल्स आएंगे वो सोच समझ के आएंगे कि मुझको अच्छे से चलाना होगा नहीं तो मेरी पर्सनल एसेट भी दिक्कत में पड़ जाएगी। उसी तरह से जो हम लोगों के बहुत सारे बैंक्स जो थे उनको भी डिस्क्रिशन से लिमिट किया गया, क्योंकि उनके एनपीए 12% हो चुके हैं, उससे भी 10% हो चुके हैं, तो वो बैंक्स दोबारा फिर किसी तरह का इस पूरे प्रोसेस को घालमेल नहीं करें, इसके लिए यह पूरा का पूरा बिल लाया गया है। हमारी सरकार का बिल्कुल मानना है कि जो अच्छे से ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं उनको हम हर तरह का एनकरेजमेंट दें, नए नए इंडस्ट्रीज आए, पब्लिक को बढ़ाएं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए यह बिल इतना बड़ा डिटरेंट है कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज रह गया। और जो गरीबों का पैसा है, जो शेयर धारकों का पैसा है, वह भी अब सेफ रहेगा, क्योंकि जो शेयर्स फ्लोट कर देते थे वो शेयर बेचारे डूब जाते थे और जो डायरेक्टर्स और प्रोमोटर होते थे वो पैसे लेकर के अलग हो जाते थे। हम लोगों ने सारा कानून बनाया है इस देश में, अमीरों को ईमानदारी से काम कीजिए हम बढ़ाएंगे और वह पैसा हम गरीबों के कल्याण के लिए लगाएंगे, यही सरकार का उद्देश्य है। यह भारत का पहला सरकार है जिसने पूरे योजनाओं को केवल अमीर और गरीब के नजरिए से देखा है और 60 से ज्यादा योजनाएं हैं जो केवल गरीबों की भलाई के लिए, लेकिन उनके लिए पैसे चाहिए और पैसा जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर इंडस्ट्रीज हमारी आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक यह पैसा गरीबों को देना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर इंटरवेन किया और इंटरवेन करके यह जो संशोधन बिल लाए हैं उसका मैं पूर्ण तरह से समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इससे भारत इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा विकास करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।